वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विषडम आज बहुत दिनों के बाद लगभग लगभग डेढ़ महीने के बाद एक क्लास रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली एक महीने से लॉकडाउन था और मेरा सारा इक्विपमेंट यहीं पर था आ, क्लास में ही मैंने छोड़ दिया था तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है एक महीना का हम कवर अप कर लेंगे बहुत ही जल्द आ, मैंने आपको मैं माई मदर एट सिक्सटी सिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बाद में उसका क्वेश्चन आंसर नहीं दिया था तो आज के क्लास में हम उसका क्वेश्चन आंसर ही देखने वाले हैं इसमें मैं सिर्फ स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन लूँगा चार स्टांजा हमने लिया है जो पूरे पोएम को कवर कर लेता है और वहाँ से आप अगर उन चारों कवर कर लेते हो कंप्लीट कर लेते हो तो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट दो तीन साल से इस चैप्टर को इग्नोर किया जा रहा है बारह से लेकर सोलह तक इस चैप्टर से रेगुलर क्वेश्चन आया है हर बार ठीक है आपको दो स्टांजा दिया जाता है और एक आपको करना होता है तो हर बार आया है उसके बाद में इसको छोड़ दिया गया है दो तीन साल बिल्कुल ही नहीं आए तो मतलब अब ये है कि अब इसमें से आने का चांस है ठीक है तो इसलिए इस चैप्टर को आप बढ़िया तरह से करना सारे स्टंजाव करना बाद बाकी सब तो हम करेंगे ठीक है सो क्वेश्चन से कैसे दिया जाता है आपको पहले पता होगा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में देता चलूँगा ठीक है ताकि आप क्वेश्चन भी समझ लो आंसर भी समझ लो पोइम का रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा स्किप मत करना पहला बार आए हो तो वीडियो को पसंद है तो बाद में लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर लो और साथ में बेल का जो है बटन उसे भी क्लिक कर देना ठीक है कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो नीचे पूछ सकते हो मेरे को व्हाट्सअप पे ज़्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है ठीक है आप कॉमेंट में करो मैं वहीं पर रिप्लाई दे देता हूँ ठीक है तो so चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सोकेश चलो देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन कैसा है आंसर तो एच एस सी सी एच एस सेकेंड ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए है ओके माय मदर एट 66 सिक्स स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मार्क्स है आपका फोर टू सिक्स ठीक है चार से छः मार्क का ओके सो पहला स्टांजा है हमारे पास में ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर डिसाइड मी डोज ओपन माउथ हेट हर फेस अशैन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स तो ये कुछ लाइन्स आपको दिया गया है और इसके ऊपर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है बहुत ही ईजी होता है फोर में फोर आ जाएगा एग्जाम में आप बस अच्छे तरह से दस मिनट का वीडियो देख लो ठीक है वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू पोएट कहाँ ड्राइव कर रहा था आपको इस पहरा में ही दिया हुआ है कोचिन ठीक है सो कोचिन जा रही थी तो हो गया द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट कोचिन क्या है कोचिन एयरपोर्ट ठीक है वाट डेड शी नोटिस उसने क्या नोटिस किया जब उसकी माँ बगल में बैठी हुई थी बिसाई मतलब बगल में बगल में बैठी हुई थी तो शी वॉज डोजिंग अगर आप इतना लिख दोगे तो भी हो जाएगा आपका काम ठीक है विथ हर माउथ ओपन या ओपन माउथ तो अपने मुंह को खोलकर डोज कर रही थी उबास ले रही थी ठीक है फाइन द वर्ड्स यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग सिमिलर वहाँ पर देखना है ठीक है स्लिप लाइटली मतलब हल्का हल्का सोना और डीड सॉरी डेड बॉडी ठीक है डेड बॉडी का मतलब है यहाँ पर कॉप्स ठीक है असन लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स ठीक है और डोज का मतलब क्या होता है स्लिप लाइटली ठीक है वो ले लेकर जो सोते हैं तो उसे डोज कहते हैं डोजिंग ओके वाई वॉज मदर्स फेस लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स माँ के फेस को लास्ट के जैसा क्यों बताया गया बिकॉज इट वॉज पेल पूरा पीला पड़ गया था डल एंड कम्प्लीटली ग्रे लाइक एश और बिल्कुल ही राख के जैसा हो चुका था ठीक है सो विच मेड इट लुक लाइक अ कॉप्स तो ये जिससे हमें ऐसा लगता था जैसे क्या है लाश ठीक है ठीके? सो so, पहला वाला खत्म हो गया बहुत ईजी था आपको समझ में आया होगा बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक ये बाद का है ठीक है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक डॉट हर अगेन वन पेल एज द लेट विंटर्स मून और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो मार्क के लिए भी आता है अलग से देखो इसमें दो तरह का क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से ठीक है एक तो होता है आपका दो मार्क वाला क्वेश्चन चार ठीक है मतलब इस चैप्टर से नहीं पूरे पोएट्री से दो मार्क का रहेगा तो ये आठ मार्क का और चार मार्क का आपका यहाँ से मिलेगा फिर कुछ एक मार्क का क्वेश्चन मिलता है ठीक है पोएम पार्ट से मतलब पोएट्री का सेक्शन से ठीक है ओके सो सी एंड फेल्ट ओल्ड फिर पोएट को वही पुराना जो एक था पुराना जो दुख था पीरा था वही याद आता है कौन सा माई चाइल्डहड फेयर मैंने आपको पोएम जब एक्सप्लेन किया तो बताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा आप वो भी देख लेना ठीक है बट आई सेड ऑल आई सेड वॉज सी यू ठीक है एन सो so, देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक होने का क्या करती है तो वो कुछ यार्ड्स मतलब कुछ कदम पीछे से ही क्या करती है मदर को देखती रहती है ठीक है सो लुक हर एट हर अगेन एंड अगेन ठीक है वाई डिड द पोएट कंपेयर क्यों अपने माँ को विंटर लेट विंटर मून से कंपेयर किया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरह से वो कर लेना द पोएट हैज स्किलफुली यूज द कंपेरिजन टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पोएम ये लाइन एक्स्ट्रा है चाहो तो लिखो या फिर मत लिखो ठीक है द पोएट्स मदर इज एट 66 उसकी माँ जो है कितने साल की हो गए 66 सिक्स ईयर्स की हो गई है सी एज हर शाइन उन्होंने अपना शाइन एंड स्ट्रेंथ जो है खो दिया है द लेट विंटर्स मून ऑल्सो लुक्स फेडेड और लेट विंटर्स मून मतलब क्या है uh, जो मून जो होता है अंतिम विंटर uh, का जो मून होता है वो कैसा होता है वो भी फेडेड रहता है लैकिंग शाइन उसमें भी शाइन नहीं होता जैसे कि उसका मामे है एन एक्सटेंट ठीक है तो इस तरह से हम कह सकते हैं द कॉम्पेरिजन इज क्वाइट एप्रोप्रियट, ठीक है सबसे बेस्ट आंसर है एक से दो लाइन लिखो आपका काम हो गया आगे निकल जाओ ठीक है ज्यादा झमेला इसमें नहीं डालना है देखो आंसर हमेशा सिंपल एंड ईजी रखो ज़्यादा अगर आप करने जाओगे और एक दो गलती हो गया तो आपका मार्क्स कट जाएगा इसलिए ग्रामेटिकली मिस्टेक बिल्कुल न, ना करो और बहुत ही सिंपल आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है व्हाट वॉज पोएट्स फेयर चाइल्ड हुड फेयर पोएट का चाइल्ड हुड फेयर क्या था कि उसकी माँ एक ना एक दिन मर जाएगी और दोबारा वो उसे नहीं देख पाएगी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बट सून पुट डेट थॉट अवे ये आपका नंबर टू में आना चाहिए था नंबर थ्री में आ गया है और देखो मैंने साथ में ये भी दे दिया है कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया ठीक है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया है ये वाला टू थाउजेंड ट्वेल में आया था ट्व में अच्छा एक बार ट्वेल्ल दिया हुआ इसका मतलब नहीं यही में ही आया होगा इससे पहले और बाद में भी रिपीट किया है ठीक है सो हु लुकड आउट एट द हु लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज कौन बाहर देखते है? तो पोएट देखती है क्योंकि वो अपनी माँ के चेहरे को देखो बुरा बुरा ख्याल आ रहा था इसलिए वो बाहर देखने लगे ठीक है विच था डिड सी पुट अवे कौन सा थाट था जिसको उन्होंने दूर किया वही कि उनकी माँ एक दिन मर जाएगी उनका डेथ अब आ रहा है ठीक है सो हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ का जो थाट था उसको उन्होंने क्या किया अलग किया वट डू यू वट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई यहाँ पर यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज जो दिखाया गया है वो क्या बताता है ये बताता है इनर्जेटिक एक्शन ऑफ द योथ ठीक है मतलब कि जब हम यंग होते हैं जवान होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्शन होता है ठीक है जोश होता है तो वो जोश अभी दिखाया जा रहा है कहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड का मतलब क्या था वो जो बैकवर्ड जो जब गाड़ी आगे जाती है तो पेड़ सब बैकवर्ड मूव करते रहते हैं उस चीज़ के बारे में बताया गया ठीक है वट डिड द पोएट्स चिल्ड्रेन डूइंग पोएट क्या चिल्ड्रेन क्या कर रहे थे चिल्ड्रेन अपने घरों से बाहर आ रहे थे ना द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स तो वही कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स ठीक है सो so, आप वर्ड अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो ओके okay, लास्ट अब आ जाते हैं बहुत ही ईजी रहा मेरे ख्याल से एंड फेल डैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्ड हुड फीयर और इनका जो चाइल्ड हुड फीयर था उसके बारे में उन्होंने सोचा क्या सोचा एंड बट ऑल आई डिड ऑल आई सेड वॉज सी यू सोनमा एंड आई डिड एंड सॉरी ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल सो पोएट ने अपना पुराना जो एक्ट था उसको देखा तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा क्या था उनका एक्ट पुराना मतलब फेमिलियर एक्ट क्या था सो so, एक ना एक दिन उसकी माँ मर जाएगी यही उसका एक्ट था ठीक है सो so, आगे क्वेश्चन देखते हैं उस टाइप का होगा व्हाट वॉज चाइल्ड हुड फियर ट्रबल द पोएट नाउ सो अभी कौन सा uh, दुख था पहले का सो दैट सी माइट लूज हर मदर एंड नेवर सी हर अगेन ठीक है कि so, वो अपने माँ को uh, मतलब उनकी माँ एक दिन चली जाएगी मर जाएगी नहीं रहेगी खो देगी वो अपनी माँ को और दोबारा वो नहीं देख पाएगी अपनी माँ को यही उनका चाइल्डहुड फियर था ठीक है वट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट पार्टिंग वर्ड का मतलब वो होता है बिछड़ने वाला वर्ड ठीक है जब दो चीज़ें अलग अलग होता है ना तो उसमें जो बिछड़ने वाला वर्ड है वो क्या सजेस्ट करता है यहाँ पर देखो पार्टिंग वर्ड है सी यू सून अम्मा ठीक है मिलेंगे दोबारा अच्छा पार्टिंग वर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि अलग होना पार्ट फ्रॉम पार्ट विथ आपने पढ़ा होगा ठीक है सो इसमें एक तरह के होप का भी ये होता है सो सी यू सून अम्मा जो पार्टिंग वर्ड है यहाँ पर वो क्या बताता है इट वॉज एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी डेट दे विल मीट अगेन हम कभी किसी को क्या कहते हैं जब कहते हैं कि दोबारा मिलेंगे फिर मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि आप और साल जियोगे ठीक है बट असल में यहाँ पर दर्द भी है दुख भी है ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल पोएट ने सिर्फ स्माइल क्यों किया द पोएट स्माइल एंड स्माइल ठीक है टू ओवरकम द एक एंड फियर इन साइड हर हार्ट क्योंकि उनके अंदर तो बहुत दुख था बहुत दर्द था क्योंकि उनको पता था कि हो सकता है मैं अगली बार जब आऊँ तो माँ मुझे ना मिले फिर भी वो सी सुना माँ बोलती है उन्हें एक होप है ठीक है सी स्टिल हैज होप और हंसती है ठीक है अपने दर्द को छिपाने के लिए क्या करती है वो हंसती है ठीक है और इस तरह से आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है, है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो पोएट और पोएटिस में कौन कन्फ्यूज मत होना ठीक है पोएट एंड पोएटिस सॉरी देखो ऐसा है कि पोएट हम मेल के साथ यूज़ करते हैं पोएटिस फीमेल के साथ बट पोएम में पोएट ने ऑलरेडी पोएट वर्ड यूज़ किया है तो इसलिए हम भी पोएट यूज़ करते हैं ठीक है तो वो फीमेल बट यहाँ पर हम पोएट यूज़ करेंगे ठीक है पोएट कौन है पोएट है कमला दास याद होगा आपको कमला दास ठीक है और आपको मेटाफोर या फिर सॉरी पोएटिक डिवाइसिस इस चैप्टर का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है ए एच में नहीं आता है ठीक है अगर आप सी वाले हो तभी वीडियो देख रहे हो तो जरूर आप देखना ठीक है नो डाउट बट सेवा वालों के लिए मतलब uh, एच वालों के लिए बिल्कुल ही जरूरत नहीं है ठीक है कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता है पूछना अगली क्लास में हम इसका वन मार्क क्वेश्चन लाएंगे ठीक है वन मार्क क्वेश्चन वैसे आता बहुत कमी है देन टू मार्क्स क्वेश्चन लाएंगे ठीक है चलो मिलते हैं अगले क्लास में वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ठीक है बाय बाय कोई क्वेश्चन हो तो पूछना थैंक यू तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट में दे देना ठीक है और कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो पूछो और अकाउंटेंसी का क्लास आने वाला है अभी रेगुलर क्लास चलेगा और बी का भी हम रिकॉर्डेड क्लास लाने वाले हैं तो आपको वो भी मिलने लगेगा ठीक है सो वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है इसलिए थोड़ा क्लासेस भी स्लो कम कम आ रहा है ठीक है आप थोड़ा सपोर्ट करो कुछ शेयर वगैरह करो ठीक है लोगों तक पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उस तरह से हम भी धीरे धीरे ज़्यादा कंटेंट लाना शुरू कर देंगे ठीक है चलो बाय बाय मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू सब्सक्राइब करें ज्ञान चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए